कोलकाता डाक्तरी छात्री को दुष्कर्म और हत्या घटना रे आंदोलन को ओल्हाइले एम्स डाक्तर भुवनेश्वर एम्स रो 500 रु अधिक सीनियर जूनियर रेसिडेंट डाक्तर के समेत डाक्तरी छात्र छात्री आंदोलन में शामिल होइछंती। जे पर्यंत पीड़िता को न्याय न मिलिछि और डाक्तर को सुरक्षा पई सरकार आईन न आनिछंती से पर्यंत आंदोलन जारी रहबो बोली डाक्तर कहिछंती। डाक्तर को विक्षोभ जोगु भुवनेश्वर एम्स रे रोगी सेवा प्रभावित होइछि। आंदोलनरत डाक्तरी छात्र छात्री को सह आलोचना करिछंती सीनियर रिपोर्टर कपिलेंद्र प्रधान। कोलकाता रे डाक्तर को दुष्कर्म एवं हत्या घटना को प्रतिवाद करी भुवनेश्वर एम्स रे मध्य आज रेसिडेंट माने सीनियर एवं जूनियर रेसिडेंट माने आंदोलन को ओल्लैंती एवं ओपीडी सेवा बंद करिछंती। सहित से माने नाराबाजी देकी तांकु सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट अणाऊ से ने मध्य दाबी करिछंती एवं तांकर सुरक्षा पई दाबी करिछंती। सेतिपई से माने आज ओपीडी सेवा मध्य बंद करिछंती। ओपीडी सेवा बाधा प्राप्त होची तो जो हम अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं हम अपने अधिकार के लिए कर रहे हैं। जो वेस्ट बंगाल में जो घटना घटी है वो बहुत शर्मनाक घटना घटी है। एक हमारे लेडी ऑन ड्यूटी डॉक्टर को एक कुकृत्य करके मार दिया गया है। जो हमारी वर्क प्लेस है वो सुरक्षित नहीं है। आज ये वेस्ट बंगाल में हुआ है, आज किसी के साथ भी कहीं पे भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि वो डॉक्टर के साथ ही हो, कहीं पे भी हो सकता है। इसीलिए हम डॉक्टर पेशेंट लोगों की सेवा करते हैं और हम ही सुरक्षित नहीं है तो हम कैसे रहेंगे। तो हम आप सेंट्रल गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त करते हैं कि हमारी सुरक्षा के खातिर आप लोगों ने जो 5 सालों से सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट पेंडिंग है उसका आप उसे बिल बनाइए, उस सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट को फॉर्म कीजिए और जल्दी से जल्दी इंप्लीमेंट कीजिए। हमारी दरख्वास्त है सरकार से कि जो भी क्रिमिनल इस मॉब अटैक ऑन द प्रोटेस्टिंग डॉक्टर हुआ है उनको जल्दी से जल्दी पकड़ के कड़ी की कड़ी सजा देके हमें जस्टिस चाहिए, हमें न्याय चाहिए, हमें सुरक्षा चाहिए। जब तक हमें सुरक्षा नहीं मिलेगी, जब तक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं होगा, हम इस आंदोलन से पीछे हटने वाले नहीं है। आज ये भुवनेश्वर में भी नहीं जाके हम भारत देश में पूरे सारे डॉक्टर एक साथ जुड़े हुए। वी वांट जस्टिस। सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट अभी चाहिए। सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट अभी चाहिए। जमी आपने शुणुते जेपर्यंत आईन न आसी सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट न आसी से पर्यंत ये विक्षोभ जारी रहा कितु ये प्रोटेक्ट करिया जो ओपीडी सेवा बंद हो रोगी बाधा रोगी सेवा पाई पार ना नहीं सभी पेशेंट्स को अभी पे ये मिल रहा है केयर मिल रहा है। अभी प्रोफेसर्स है वो प्रोटेस्ट में है पर पेशेंट्स को देख रहे हैं। ओपीडी के सर्विसेज आज बंद नहीं हुआ है। ओपीडी में हम लोग काम नहीं कर रहे हैं तो ओपीडी के सर्विसेज प्रोफेसर्स चला रहे हैं। अभी बस ये देखना है कि क्या हमारी बातें लोग मानते हैं, हमारी सरकार क्या हमारी बातें को पूरा करते हैं कि नहीं तो बाद में हमें ओपीडी पूरा बंद करने के लिए मजबूर होना होगा। ये हमें अभी सरकार से यही दरख्वास्त है कि हमें सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की बहुत बहुत जरूरत है। बस जमी शुणुले जेपर्यंत सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट न आसी से पर्यंत से ये विक्षोभ जारी रानकर आंदोलन जारी रमिक समय आसो जदि एक्ट न आसू से ओपीडी सेवा संपूर्ण बंद करा बाध्य धमक देते एम्स रेसीडेट मैंने। एम्स रु कैमेरा पर्सन रोहन कपिलेन्द्र प्रधान ओटीवी।